back to my channel. This is me, Christina, and I welcome you all to my channel. Guys, in today's video, I'm going to share my favorite makeup and skincare products. It's like I really swear by these products. मतलब मुझे बहुत 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 पसंद है ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई करना चाहिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को. और अगर पसंद नहीं आया आपको ये वीडियो तो डिसलाइक का ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं. और अगर आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट्स नॉट कंपल्शन. एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो क्विकली. जो पहला प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है फ्रॉम स्किन केयर रेंज इज दिस. दिस इज़ द मिनिमलिस्ट वाइटामिन सी 10% प्लस एजी 1% सेरम. एंड दिस इज़ हाउ द मिनिमलिस्ट वाइटामिन सी सेरम लुक्स लाइक. दिस कम्स इन अ ग्लास बॉटल विद एन ड्रॉपर विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. आई हैव डेफिनेटली सीन अ चेंज आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर अबाउट टू थ्री मंथ्स. एंड आई कैन रियली से दैट दिस वर्क्स. ओके, और दूसरा जो प्रोडक्ट है इट्स नॉट अ स्किन केयर बट ये मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ किया करते हैं हम लोग. तो दिस इज़ द सिंपल माइसलर क्लेंजिंग वाटर एंड दिस इज़ ऑफ 200 ml बॉटल. पहले ना गार्नियर का वो पिंक वाला जो माइसलर वाटर आता है मैं वो यूज़ करती थी, बट अब मुझे ये सिंपल का माइसलर वाटर बहुत पसंद है गाइस. और मैं श्योरली रेकमेंड कर रही हूँ अगर आप सबको एक जेंटल सा माइसलर वाटर चाहिए आपके मेकअप को रिमूव करने के लिए तो आप डेफिनेटली ये पिक कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दिस ब्रशेस. रिसेंटली आई हैव परचेज दिस थ्री ब्रश पैक. दिस थ्री कम्स इन वन पैक. सो दिस इज़ फ्रॉम बूजी ब्यूटी. दीज आर द बूजी ब्यूटी ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस, लाइक आई मेकअप ब्रशेस. आई मेकअप ब्रश. दिस ब्रश इज़ द बूजी ब्यूटी B214 ब्रश. दिस इज़ अ स्मॉल कट क्रीज ब्रश एंड दिस इज़ B213. And this is a small blending brush as you all can see. And this is a B215. So मैं आप सबको बता नहीं सकती ये तीन ब्रश मेरे आई मेकअप गेम कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है. मुझे बहुत पसंद है ये थ्री ब्रश. आई नो कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आपको अगर लेना है मैं इसका लिंक मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी तो आप जाके ये ब्रशेस चेकआउट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम रियली लविंग आर दी स्विस ब्यूटी कंसीलर्स एंड आई एम करेंटली यूजिंग दिस वन एंड आई हैव टू बैकअप्स विथ मी राइट हियर एज यू ऑल कैन सी. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ओके सॉरी. सो यू कैन सी कि हाउ मच आई एम लविंग दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर. और एक क्रीमी सा कंसीलर है और इसका प्राइस तो बहुत ही अफोर्डेबल है. अफोर्डेबल भी है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है, ब्लेंड भी बहुत अच्छे तरीके से होता है. मैं डेफिनेटली कहूँगी आप सबको डेफिनेटली स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स ट्राई करने चाहिए क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट फॉर 199 और 200 या समथिंग या. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम रियली रियली लविंग इज दिस मास्क ट्रेंड सेटर लूज पाउडर एंड दिस इज इन द शेड बनाना. आई वॉज नॉट इन टू लूज पाउडर सो मच. आई वॉज इन टू दिस कॉम्पैक्ट पाउडर बट दिस इज द लूज पाउडर एंड आफ्टर यूजिंग दिस लूज पाउडर आई एम नाउ हुक्ड टू लूज पाउडर्स. ये मेरे बेस को ज़्यादा केकी नहीं बना देता है और मुझे बहुत पसंद है ऐसे लूज पाउडर्स. और मास्क के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही पसंद आते हैं तो या शुगर के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे. आई नो इट्स दे आर लिटिल बिट प्राइसी, बहुत थोड़े बहुत प्राइसी होते हैं बट उन लोग के क्वालिटी इज सो गुड गाइज. आपको बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो मेरे पास जो पहला प्रोडक्ट शुगर की तरफ से है ये है शुगर कॉन्टोर डे फोर्स फेस पैलेट एंड दिस इज इन द शेड नंबर 1 सप्टल समिट. दिस इज़ अ कॉन्टोर अ हाईलाइटर एंड अ ब्लश शेड. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे शुगर की तरफ से पसंद आ रहा है अभी शुगर ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर एंड दिस इज़ इन द वेरिएंट 03 पीच पॉपिन इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर. मतलब इसमें बट गाइस इसमें कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं, मतलब शो नहीं होते. इट हैज़ सच अ नाइस शीन गाइस. और अगर आप इसके ऊपर मेकअप करेंगे ना आपका बेस बहुत ही ड्यूई ग्लोई लग. लेट्स टॉक अबाउट दिस कफ्स एंड लैशेस लिक्विड आई लाइनर. दिस इज़ वाटर प्रूफ लिक्विड लाइनर एंड दिस वन इज़ इन द शेड खलेशी. वाइट, इट्स अ वाइट शेड
एंड आई ऑब्वियसली नीडेड अ वाइट लाइनर. अपना ये वाला आई मेकअप जो मैंने किया है ना आज, आप देख सकते हैं मैंने जो ये वाली आई मेकअप किया है आज, ये मैंने ये वाइट लाइनर यूज़ करके किया है. एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी गुड आई लाइनर. इसकी टिप देख सकते हैं कितना फाइन है और कितना पिगमेंटेड भी है गाइस. और दिस इज़ वाटर प्रूफ एंड आई हैव रियली रियली टेस्टेड दिस आई लाइनर, देन ओनली आई एम सेइंग. नेक्स्ट अप आई हैव अ लिपस्टिक विच इज़ माई फेवरेट, लाइक करेंट फेवरेट आई टेल. एंड दिस इज़ the Swiss Beauty non-transfer waterproof lipstick, and this is the packaging, and this is how the lipsticks look like. This is in the shade 415 bare, and one more I have it in the shade mauve taupe, though my favorite shade is mauve taupe and I don't know where I kept it, but mujhe ye bare wali ye shade bhi bahut pasand hai. ओके गाइज, दिस इज़ द शेड बेयर. मुझे ये बोलना पड़ेगा गाइज, मैंने इसको लगा के बहुत बार टेस्ट किया है और ये एक मास्क प्रूफ लिपस्टिक है गाइज. और आजकल तो मास्क प्रूफ लिपस्टिक का ही ट्रेंड चल रहा है, सो अ वेरी अफोर्डेबल लिपस्टिक अंडर ₹300 एंड यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई. प्रिंट ओके, दिस इज़ अ डिओड्रेंट विच आई गॉट फ्रॉम मिनीसो. तो ये वाली है मिनीसो बॉडी स्प्रे. ओके, दिस इज मिनीसो स्टनिंग डिओ बॉडी स्प्रे. And this is in the variant vanilla ice. Oh, the smell is so good, guys. Miniso का एक haul और मैंने Miniso का tour, yeah, tour vlog भी share किया है मेरे channel पे. I will mention somewhere over here, so you can go and check that out. Last product जो है मुझे बहुत बहुत पसंद आया है वो है ये beauty sponge. अब मैं सोची थी कि मैं इसको नहीं इंक्लूड करूँगी मेरे फेवरेट्स में, बट आई हैड टू. ओके गाइज, क्योंकि आप अभी तक मैंने जो भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया मेरे लाइफ में, ये वाली जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये सबसे बेस्ट है गाइज. इट्स वेरी स्क्विशी. दिस वन आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. नाउ आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज बाई दिस ब्यूटी स्पंज, सो आई हैड टू गिव दिस ब्यूटी स्पंज अ शाउट आउट. एंड आई गेस दिस वॉज इट. या so this was it for the video. Hope you all liked it. If you liked it, do not forget to share this video. And guys, I will meet you all in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, stay safe, stay at your home. Bye guys, love you all.